अरुण जी एक प्रश्न है जी। मुझे मेरा बचपन याद आ रहा है जब मैं स्कूल से साइकिल तेज दौड़ा के आता था क्योंकि सड़कों पर एकदम सड़कें खाली हो जाती थी सब रामायण देखने के लिए। और उसके बाद एक टाइम आया जहां घर के पूजा घर में राम जी की फोटो आपकी लगती थी, पूजा आपकी, और लोग टीवी पर, याद है आप सबको, टीवी के सामने अगरबत्ती रखकर फिर जैसे ही आप आते थे जय श्री राम और पूजा होती, सबके लिए राम की छवि आप हो गए। आप जब राम के बारे में सोचते हैं तो कैसी सूरत आती है, किसकी छवि आती है? मैंने राम जी के बारे में सोचना इसीलिए बंद कर दिया, मैं आपको सच बता रहा हूं जी, क्योंकि मैं जब राम जी का ध्यान करता हूं तो मुझे मेरी तस्वीर दिखाई देने लगती है, मन में आंखें बंद होती हैं। तो मैंने कहा ना, ये तो बहुत ही खराब बात, इससे खराब बात तो दुनिया में हो ही नहीं सकती। तो इसलिए जब मैं राम जी का ध्यान करता हूं तो मैं अपनी आंखें बंद नहीं करता, राम जी की जो तस्वीर मेरे घर में है, जो मूर्ति मेरे घर में है, मैं उसको आंखें खोल कर देखता हूं। क्या बात, तो मैं अपने दिल की सच्ची बात बता रहा हूं आपको, इसमें कहीं कहीं भी कोई बनावट नहीं है, कुछ भी नहीं है मैं। और फिर वो मूर्ति जो है, जो मेरे घर में रखी है, इतनी बड़ी मूर्ति है, वो मूर्ति अपने आप जैसे मुस्कुराने लगती है धीरे 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 धीरे। मैं एक घटना बताता हूं आपको, मैं एक जगह का नाम नहीं बताऊंगा, अच्छा नहीं लगता जी। मैं वहां गया तो वहां एक अच्छा बहुत बड़ा मंदिर था और उसमें राम सीता जी और लक्ष्मण जी थे, और राम जी के पैरों के नीचे जो प्लेटफॉर्म था तो उनके पैरों से लगकर एक तस्वीर रखी हुई थी, फोटो एक रखा हुआ था जिसमें मेरा चेहरा था। मैं उस मंदिर में गया और मैं उस मंदिर से घबरा कर बाहर निकला था कि ये क्या कर रहे हैं लोग। मैं उस शहर में दोबारा नहीं गया फिर कभी भी, सच बता रहा हूं आपको, मैं घबरा गया था, कांप गया था मैं बिल्कुल। आपकी मनस्थिति मैं कह रहा हूं क्योंकि आप एज अ निजी पर्सन, क्योंकि आपने किरदार निभाया और लोग आपको उस किरदार में ही देखने लगे, तो आपने कहा कि आप घबरा गए, पर आप इस बात को भी मानते हैं कि लोगों का ये महज भक्ति भाव था कि वो राम को देख रहे थे आप में, और यही भक्ति भाव है जिसका जो प्रेम आज भी आपको मिल रहा है। तो ये दो पर्सपेक्टिव्स हैं, एक आपकी तरफ से कि आप क्या सोचते हैं और जनमानस सामान्य जन क्या सोचते हैं, कि जिन लोगों के लोग जो वीवीआईपीज हैं जिनके साथ हम सेल्फी खींचते हैं वो आपके बगल में आके कहते हैं कि राम जी एक फोटो ली जाए जी। नहीं आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल, दोनों का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग है और इसके लिए कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता। मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। लोग आते हैं, फोटो खिंचाना चाहते हैं, पांव छूते हैं, तो पहली बार जब ये हुआ था, रामायण को कुछ महीने हुए थे और हम दिल्ली में एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इस देश के, उनके घर में थे, उन्होंने डिनर पर बुलाया था।